गुड इवनिंग गाइस। हाँ समीर भाई बताइए। हाँ अरे मीटिंग तो स्टार्ट क्या करो यार, बंद कर दिया क्यों? अरे हेलो अरबाज भाई। हाँ आकाश भाई बताइए। गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। एक चीज मैं पहले बता देता हूँ कि देखो बीच बीच में जो सब लोग अनम्यूट कर देते हो अपने आप को, इससे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है दूसरे लोग भी मीटिंग में, और जो रिकॉर्डिंग चलती है मेरी जो यूट्यूब पे मुझे अपलोड करनी होती है उसमें भी काफी सारे नॉइज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वीडियो थोड़ी डल हो जाती है। तो इसलिए आप लोग बेवजह अपने आप को अनम्यूट मत किया करो, नहीं तो फिर मैं यहाँ से परमिशन चेंज कर दूंगा, फिर मैं एक एक करके नाम लूंगा, फिर अनम्यूट करना पड़ेगा। तो वैसे चीज करने पे मुझे मजबूर मत करो। अभी मैं आप लोगों को ऐसे ही दे देता हूँ कि आप लोग अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल सकते हो, बीच में जहां भी डाउट होता आप लोग पूछ लेते हो, लेकिन ऐसे करके डायरेक्ट सब लोग एक बार में अनम्यूट करोगे तो इससे डिस्टर्बेंस होगा। अभी मैं ऐसे कर दिया हूँ, फिर ऐसे बार बार करेंगे तो फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं परमिशन दे रहा हूँ तो फिर उसको आप थोड़ा सही तरीके से यूज करें, अपने आप को बेवजह म्यूट मत करें, क्योंकि बैकग्राउंड में आपका कहाँ कोई नॉइज हो रहा है, कहीं हल्ला हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हो जाते हैं और उस पर वीडियो पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इस चीज को आप लोग समझो, अपने आप को बेवजह अनम्यूट मत करो ताकि किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? गुड इवनिंग सब लोगों को, अभी आवाज जा रही मेरी, एक बार क्लियर कर देना सब लोग। बस बोल कर म्यूट कर लेना है और ज्यादा देर तक अनम्यूट रखना ही नहीं है। सब लोगों को जा रही है, जितने भी लोग है मीटिंग में आवाज जा रही है सर मीटिंग में? जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छी आवाज। यस सर, ओके ओके ओके, परफेक्ट, समझ गया, आवाज जा रही है। बस ऐसे ही म्यूट कर लेना, बोलना है और म्यूट कर लेना ताकि डिस्टर्बेंस ना हो किन्हीं को भी। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप लोग कंफर्म करने के लिए स्क्रीन शेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट, ठीक है, म्यूट कर लो सब लोग। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और कैंडलस्टिक चार्ट, ये सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। पूरे बेसिक से मैं स्टार्ट किया था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोगों के जितने डाउट होते हैं उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न, बट एक बार मैं सब लोगों को एक मौका देता हूँ कि आप लोगों को चार्ट पैटर्न को छोड़कर इससे ऊपर जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है और कैंडलस्टिक चार्ट है, इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो पहले आप पूछ लीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, देन हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक है चार्ट पैटर्न उस पर चलेंगे। क्योंकि आपका अगर डाउट पहले क्लियर नहीं होगा फिर मैं आपको चार्ट पैटर्न बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इससे पहले अगर आपका सारा डाउट क्लियर है तब मैं आगे बढ़ूंगा, एक बार आप लोग कंफर्म कर देना कि आप कितने, कोई भी डाउट है तो बता दो, डाउट नहीं है तो वो भी बता दो कि सर कोई डाउट नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक एक करके मौका दूंगा, एक बार में सब लोग मत पूछना, ठीक है? अब जिनको पूछना है वो एक बार बता दो, किनको पूछना कोई भी क्वेश्चन। आफ्ताब आलम, आपको कोई डाउट है? सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने में बहुत परेशानी है। ओके, मैं आपको विद इन 5 मिनट एक बार सब जल्दी से बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का क्या सिंपल सा तरीका है। आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, किसी भी इंडेक्स को खोल लेता हूं मैं, एक मिनट, इंडेक्स को खोलो, किसी भी स्टॉक के चार्ट को खोलो, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना बता देता हूं। चलो मैं आपके लिए कोटक खोल लेता हूं, ठीक, कोटक का चार्ट खोलना है। अब आपको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है, सबसे सिंपल सा तरीका, बेसिक्स है, इसको फॉलो करना, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारी चीज को, ठीक है? अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ और डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद देखो कि हमारा क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। सपोर्ट कैसे होता है, हम लोग प्रीवियस चार्ट को देखते हैं कि प्राइस एक बार कहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइस यहां से सपोर्ट लेके पहले ड्रॉप था कंटिन्यूसली नीचे नीचे नीचे, फिर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो हम लोग पास्ट के प्राइस को देखकर ही प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। तो हम लोग सिंपल से पास्ट के प्राइस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करेंगे।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये हमारे लिए क्या हुआ, अभी नियरेस्ट सपोर्ट हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, और ये जो हमारा एरिया एक तरीके से ये डिमांड एरिया, यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जाता है। तो एक यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अभी डेली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देखना, हमारे लिए देखना क्या इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे लिए सपोर्ट का लाइन है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट को मार्क कर लिया, लेकिन प्राइस अभी इसके नीचे है तो हमारे लिए अभी ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस तो इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया, तो अभी मार्केट कोटक का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, जो कोटक में अभी अपसाइड मूवमेंट तभी आएगा जब एटलीस्ट इसको ब्रेक करेगा। अब ये जो लेवल है वो क्या है, 1765 है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस मार्क हो गया। अब आपको क्या करना है, सपोर्ट मार्क करना है, तो सपोर्ट तो इसके नीचे होगा। आपको यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है, प्रीवियस चार्ट को देखना है, डेली टाइम फ्रेम का ये मार्क कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको बस थोड़ा सा एक दिन के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस चार्ट को देख लेना, डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखे तो ये हमारे लिए बेटर सपोर्ट होगा। अभी डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे लिए कौन सा एरिया होगा, डिमांड एरिया होगा, क्योंकि आप देखोगे पास्ट के प्राइस को, तो यहाँ से प्राइस सपोर्ट, यहाँ से भी प्राइस सपोर्ट और यहाँ से भी प्राइस सपोर्ट, फिर यहाँ पे डिमांड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स धीरे 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 बायर्स यहाँ पे खरीदना, एक बार में कभी नहीं खरीदता है स्टॉक्स में, धीरे 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 खरीदाएगा। और जब यहाँ पे डिमांड एरिया था, डिमांड एरिया पे क्या होते हैं, बायर बैठे होते हैं, बायर बहुत सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड मूवमेंट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो अभी प्राइस इसके नीचे है, मतलब इसके ऊपर है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एस लिख देता हूँ, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ऊपर लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। सिंपल सा मैंने क्या किया था, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक तभी आएगा जब आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें कोई रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ना मिले। अब पास्ट प्राइस देखोगे तो बहुत दूर, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली इसमें ड्रॉप हो रहा है। अब इसको एक बार में थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे वापस से जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप चार्ट को एनालाइज करोगे तो देख रहे होगे यहाँ पे कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। तो आप इसके लिए अगर प्रीवियस चार्ट को देखोगे तो आपको यहाँ का चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में तो पूरा गैप है, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको चार्ट कब का एनालाइज करना पड़ेगा, इस एरिया का, तभी आपको समझ में आया कि इसके हिसाब से हमारा अभी यहाँ पे सपोर्ट का लेवल क्या बनने वाला है। तो स्टॉक में यहाँ पे आपको जब टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से आप करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप सिंपल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करो, उसके हिसाब से ट्रेड करो, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हम लोगों को छोटे छोटे 5 मिनट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको यहाँ पे देखोगे तो ये कब का डेट है, जुलाई का, मतलब जुलाई के ग्राफ को आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। जुलाई, उससे पहले जो भी है देख सकते हो आप, जून, जुलाई, अगस्त भी नहीं, अगस्त तो इसके ऊपर चला गया था, ठीक है। तो इसके बीच में पूरा गैप है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में नहीं आएगा। पास्ट प्राइस को देखना है तो आपको यहाँ को चार्ट को देखना पड़ेगा। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, वेट। अभी हमारा डेली टाइम फ्रेम का ही सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि इससे पहले प्राइस कहीं से ऊपर गया ही नहीं है, उससे पहले कहीं से प्राइस ऊपर की तरफ गया ही नहीं, इसी लेवल को टच करके प्राइस गया है, और यहाँ पे भी जो भी आया प्राइस यहीं से खरीदाया है फिर ऊपर की तरफ गया। तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अभी स्ट्रॉन्ग भी सपोर्ट यही है। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी यहाँ पे करोगे तो आपके लिए सपोर्ट का लेवल जो होगा यही होगा, ठीक है। प्राइस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे धीरे 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 बायर एक्टिवेट होगा, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर प्राइस अपसाइड मूवमेंट देगा। अभी देखोगे तो यहाँ पे इसी रेंज में प्राइस है, देख सकते हो रेजिस्टेंस के पास, फिर गैप अप, फिर ब्रेकआउट। तो ये क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया। सेम इसी तरीके से आपको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। इंडेक्स का मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कैसे मार्क करना है, परसों भी बताया था, फर्स्ट क्लास में भी बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहां देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज, और डीपली में वहां पे समझाया था, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, और दूसरा किसी को कोई भी डाउट? यस सर, बोलिए सर। कल हमने कैंडलस्टिक जो दिखाया था आपने, हाँ जी, तो
कैंडलस्टिक का जो हैमर और जो शूटिंग स्टार आपने बोला था, तो उसमें हम वो चार्ट किस पे देखें? tradingview.com पे कि अलग दिखेगा या ऑन डे पे अलग दिखेगा या अलग अलग होगा क्या? आप पहले ये डिसाइड करो, बिल्कुल अलग अलग होगा ना। आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वहां पे एक कैंडल एक दिन का होता है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वहां पे एक कैंडल 5 मिनट का होता है। अब वापस से मैं एक बार चार्ट खोलता हूँ, आप यहाँ पे देखो, अभी ये 5 मिनट का है, तो यहाँ पे एक कैंडल जो है ना, एक कैंडल का जो टाइम है ये 5 मिनट में कम्प्लीट हो चुका है। ये रेड कैंडल 5 मिनट में ओपन भी हुआ, 5 मिनट के अंदर में क्लोज हो गया। ये एक कैंडल 5 मिनट का है, जब मैं डेली टाइम, अब देखो यहाँ पे तो 1 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैसा कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, आपको डेली टाइम फ्रेम पे दूसरा कैंडल दिखेगा, यहाँ पे एक कैंडल एक दिन का है, यहाँ पे एक कैंडल एक दिन का है। अब जिस टाइम फ्रेम पे जाओगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग होता है कैंडल्स का टाइम। एक दिन का देखोगे तो एक कैंडल एक दिन का, 5 मिनट का देखोगे तो एक कैंडल 5 मिनट का। ठीक है सर, इनका कहना है कि जो आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग करते समय कितने मिनट का कैंडल लगा, इनका कहने का मतलब ऐसा आ रहा है। हाँ तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बस 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल्स को फॉलो करना है, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को फॉलो नहीं करना है। हाँ जी सर जी बोलिए। अगर हमार बनता है हमार, हमार कैंडल तो 5 मिनट में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और 15 मिनट पे भी नहीं दिखेगा? और ऑन डे पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हैमर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, तो 15 मिनट पे वहां पे कोई और कैंडल्स दिखेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन सा कैंडल, इसलिए मैं आपको बताया था। आपको मैं ये चीज एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सपोर्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, सपोर्ट पे आप कोई भी ट्रेड लो, वहां पे देखो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हैमर बन रहा है तो ये भी नोटिस करना एक बार कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे कौन सा कैंडल बन रहा है। दोनों टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल्स बनेगा। 15 मिनट पे अगर आपको वहां पे बियर इनगल्फिंग दिख गया या फिर कोई बियरिश कैंडल दिख गया, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वहां पे हैमर दिख रहा है, तो आप वहां पे थोड़ा सा हिचकिचाओ, वहां पे ट्रेड लेने से थोड़ा सा रोको अपने आप को। माइंड पे देखो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा ठीक है, लेकिन वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को बियरिश साइन था, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन सा साइन था? बुलिश साइन। अब यहाँ पे एक चीज समझना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को बियरिश साइन दिख रहा है, लेकिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोगों को बुलिश साइन दिख रहा है, मतलब बुलिश इनगल्फिंग हो गया, या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर बन गया, तो फिर मार्केट 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर जाएगा। इसको मैं एक बार और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी कैंडल्स को ले लो, किसी भी कैंडल्स को हम मान लेते हैं ये बेयरिश पिन बार है, या फिर आप इसको ये कैंडल्स देख लो, ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है, टॉप पे बन रहा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बन रहा, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा। अब आप इसको जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे कोई और कैंडल्स दिखेगा। चलिए मैं आपका इसी जगह पे बात करता हूँ, मैं जाता हूँ सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखू यहाँ पे, तो यहाँ पे हैमर बना, ठीक है, देखो इस चीज को। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, यहाँ पे हैमर बना, अब इसके प्राइस, इसके बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ये कब जाएगा? 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जाएगा, 5 मिनट में तुरंत ऊपर चला नहीं जाएगा, धीरे 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 साइडवेज फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आने का चांसेस कम है। अब अगर आप इसका 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो तो 30 मिनट का ये कैंडल्स है। अब यहाँ पे 30 मिनट्स में तो आपको हैमर दिख रहा है, अब ये कितना 12:45 पे, अब यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं गया, 12:45 ये वाला कैंडल, अब आप यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि इसलिए मैं आपको बताया कि आपको 15 मिनट पे कोई भी कैंडल्स दिखे, 30 मिनट पे कोई भी कैंडल्स दिखे, 5 मिनट पे कोई भी कैंडल्स दिखे। अगर आप अपसाइडेड का ट्रेड ले रहे हो तो कोशिश करो कि 5 मिनट में भी और 15 मिनट में भी आपको बुलिश साइन दिखे, बुलिश साइन दिखना चाहिए। अगर 15 मिनट पे अगर मान लेते हैं कि वहां पे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हम लोगों को यहाँ पे हैमर दिख रहा था 12:45 के कैंडल्स पे, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गया, लेकिन 5 मिनट पे हम लोगों को यहाँ पे कोई बुलिश साइन वैसा दिख नहीं रहा, बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बॉटम पे हो सकता है कि प्राइस यहाँ से भी नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए, ऊपर चला गया ठीक है कोई बात नहीं है, बट आपको यहाँ पे साइन नहीं मिला ना, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपका कैंडल्स बना ही नहीं, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना बनता ही नहीं है।
अब मान लेते हैं कि ये कैंडल्स को देखते हैं, यहां से प्राइस नीचे की तरफ आया था, तो मैं क्या करता हूँ इसको मार्क कर देता हूँ, इस लाइन को मैंने क्या किया मार्क कर लिया। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि प्राइस यहां से ड्रॉप हुआ। अब यहाँ पे क्या बना शूटिंग स्टार, इसके बाद आया कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग दिया रेड में। अब हम लोग बोल सकते हैं प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। अब ये देखोगे तो 2:30 बजे का कैंडल है, 2:30 का, 2:30 पे क्या बन रहा है शूटिंग स्टार बन रहा है। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2:30 बजे का कैंडल है, यहाँ पे देखो ये भी एग्जैक्टली शूटिंग स्टार ही है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको शूटिंग स्टार दिख गया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको क्या दिखा शूटिंग स्टार दिख गया। तो अब आप यहाँ पे आराम से नीचे का ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, बट अगर ओपन होता तो प्राइस ये जो आपका लेवल है यहाँ तक आता, इस जगह तक आता, इसको कंफर्म नीचे की तरफ आता, क्योंकि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्या दिख रहा है नीचे का साइन और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्या दिख रहा है नीचे का साइन। अब यहाँ पे अगर इस कैंडल को कोई भी मान लेते ये रेड कैंडल होता, इसको ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर लेता अच्छे से, गैप डाउन होता, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग देते तो बुलिश इनगल्फिंग हो जाता, और जब बुलिश इनगल्फिंग होता तो फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो नीचे का ट्रेड था, तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम से यहाँ से नीचे आता, लेकिन फिर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखते तो प्राइस ऊपर चला जाता। अब यहाँ पे मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेगा तो 30 मिनट में आपको यहाँ पे तीनों कैंडल कंप्लीट हो गया, 1:45, 2:15, क्योंकि एक कैंडल तो 30 मिनट का, तो यहाँ पे इसी दो ही कैंडल में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जितना कम टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको उतना कम कैंडल्स को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैंडल 30 मिनट का है। 5 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे एक ही कैंडल 5 मिनट का, तो यहाँ पे कैंडल्स ज्यादा होगा, और लेकिन आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको कैंडल्स कम दिखना होगा, क्योंकि एक कैंडल उतना देर का होता है, तो उतना देर तो टाइम खत्म हो गया ना, तो उसके हिसाब से फिर कैंडल्स की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। समझ में आया आपको? यस सर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं लोगों को भी, और कोई डाउट किन्हीं को भी, कोई डाउट नहीं है? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं आप? नो डाउट प्लीज गो अहेड। ओके, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। कैंडल्स के बारे में आपको कल बता दिया था, ये भी बताया था कि कौन से कैंडल्स पे ट्रेड लेना है नहीं लेना है क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझाया था। आपने वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां पे आप देख सकते हो। अब है चार्ट पैटर्न। देखो चार्ट पैटर्न भी सेम कैंडल्स की तरह है। आपको मैंने ये भी सारे कैंडल्स के बारे में बताया, लेकिन ये चीज भी बताया था कि किस कैंडल्स पे ट्रेड लेना है, किस कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेना है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट है, वही बताया। अब चार्ट पैटर्न भी बहुत तरह के होते हैं। अब हम लोग सारे चार्ट पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेंगे, आपको बोलते हैं कि ये चार्ट पैटर्न बना आप ट्रेड ले लो, बहुत सारी वीडियोस ऐसे अपलोडेड है यूट्यूब पे, लेकिन आप ये भी समझो कि किस चार्ट पैटर्न की क्या एक्यूरेसी है। क्या अगर हम लोग की अगर बताया गया कि रेक्टेंगल है, या फिर मान लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कोई भी चार्ट पैटर्न आगे डिस्कस करेंगे, उस पर हम लोग क्या ट्रेड ले लेंगे बना हर बार तो नहीं लेंगे। कुछ ऐसे ही चार्ट पैटर्न है जो परफेक्ट काम करते हैं लाइव मार्केट में और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अब मैं अगर 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे चार्ट पैटर्न पे ट्रेड किए होंगे। अब मुझको ये चीज 4 साल में समझ में आ चुका है कि किस चार्ट पैटर्न की अच्छी एक्यूरेसी और किस चार्ट पैटर्न की अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, इसको नोट करना कहीं पे, चार्ट पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क नहीं करता है। चार्ट पैटर्न हमेशा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करता है, लेकिन कैंडल्स ज्यादा वर्क, बहुत अच्छा वर्क छोटे टाइम फ्रेम पे करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे उतना अच्छा वो वर्क नहीं करता है। ये डिफरेंस होता है कैंडल्स को देखकर ट्रेड करना और चार्ट को देखकर ट्रेड करना में। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं तो इसको आप 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट पे नहीं यूज करें तो बेटर है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करें, लेकिन वही चार्ट पैटर्न को यूज करना जो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी 10 चार्ट पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, 10 पे ट्रेड नहीं करना। सबसे पहले समझते हैं चार्ट पैटर्न होता है क्या। देखिए चार्ट पैटर्न क्या है, एक चार्ट होगा उसका एक पैटर्न बनेगा, अब उस पैटर्न को देखकर हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है। वो भी यही समझ में आता है कि पास्ट में अगर ऐसा चार्ट बना था तो उसका क्या रिएक्शन आया था, उसको देखकर हम लोग अभी भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर वापस से अभी वैसा ही चार्ट पैटर्न बन रहा है तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा, नहीं ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस का लाइन है, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको ध्यान से समझना। प्राइस यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर फिर नीचे आया। अब यहाँ पे प्राइस ने इसका ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ,
तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। अब जैसे इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला ना, तो प्राइस यहाँ से इतना नीचे गया। अब हम लोगों को ये नोटिस करना है कि प्राइस यहाँ से कितना नीचे गया, तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पैटर्न का जो टारगेट होता है वो बता रहा हूँ। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न का ही है। अब हम लोग इसका एक बार टारगेट मेजर करते हैं, प्राइस यहाँ से यहाँ तक देखते हैं 16 पॉइंट है। अब हम लोग मेजर करते हैं, अब जैसे यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला, तो प्राइस यहाँ से जो है ना, ये वाला लाइन जो होगा ये अपने टारगेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करेगा, ठीक है। अब ये कब की ग्राफ है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं कि ये 26 जन की है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल समझना इसको। ये 26 जनवरी की ग्राफ है, पैटर्न इस तरीके का बना, इसको मैं आप डिलीट कर देता हूं। पैटर्न इस तरीके का चार्ट में बना था, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और प्राइस नीचे की तरफ आ गया, ये हमारा 26 तारीख का। अब क्या हो रहा है, उसके बाद मान लेते हैं कि सेम वैसा ही शेप यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे प्राइस फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। अब यहाँ पे इसका हो गया ब्रेकडाउन। अब ये ब्रेकडाउन होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका टारगेट क्या होगा या फिर इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। अब आप देखोगे पास्ट के प्राइस को, ये पैटर्न बना, सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना 26 तारीख को। अब ये पैटर्न कब का है, 27 तारीख का, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ये 27 तारीख का चार्ट पैटर्न किस तरीके से हम लोग समझते हैं। अब ये अगर 26 को बना था, इस तरीके का शेप बना और जब इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, तो प्राइस यहाँ तक आया। यहाँ कहाँ, इसका जो टारगेट है वो क्या है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, जो डिस्टेंस है, वही हमारा ये टारगेट है। मतलब अगर 26 तारीख को ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस इतना नीचे आया और सेम चीज आज हो रहा है, जैसे कि हम लोग पास्ट प्राइस को देखकर कैसे प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते थे सपोर्ट रेजिस्टेंस, वैसे हम लोग यही वही सेम चीज यहाँ भी फॉलो होता है। अब पास्ट में जो चीज हुआ वही अभी भी होगा, अब फ्यूचर में अगर वापस से ऐसा शेप बनेगा तो वापस से उसका रिएक्शन भी वही होगा। ओके, ये 26 को बना, ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ आया, सेम 27 को भी बना, और जब इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर 26 तारीख को प्राइस इतना नीचे आया, इसको हम लोगों ने जब मेजर किया था तो इसके बीच का जो डिस्टेंस था वही इसका टारगेट था, तो उसी को देखकर हम लोग आज का भी बोलेंगे कि इसके बीच का आप डिस्टेंस को मेजर कर लो। इसके बीच का डिस्टेंस अगर 14 पॉइंट है तो यहाँ से प्राइस 14 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। आप क्या करो, यहाँ पे अपना टारगेट को सेट कर दो, ये आपका क्या होगा टारगेट। अब अगर इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड ले लोगे। अब यहाँ पे आप नीचे का ट्रेड क्यों लोगे, क्योंकि पास्ट में जब इसका ब्रेकडाउन मिला था तो प्राइस यहाँ तक आया, सेम वही चीज आज भी रिपीट हो रहा है, अब फ्यूचर में कभी भी रिपीट होगा तो वही होगा। तो चार्ट पैटर्न क्या होता है, बस रिपीट होता है। इसका आपको शेप समझना है, परफेक्ट ब्रेकडाउन समझना है, इसका स्टॉप लॉस समझना है। अब इसी चीज को हम लोग अलग अलग चार्ट पैटर्न में समझेंगे। अब 10 तरीके का चार्ट पैटर्न होता है तो क्या हम लोग 10 रुपए ट्रेड ले लेंगे, नहीं लेंगे। अभी आपको चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिर चार्ट पैटर्न होता है क्या है, किस तरीके से इस पे काम होता है, ये चीज सब लोगों को समझ में आया? यस यस बिल्कुल सबको आया सर। ओके ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अ चार्ट पैटर्न इज अ शेप विद इन अ प्राइस चार्ट दैट हेल्प्स टू सजेस्ट व्हाट प्राइस माइट डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन इन पास्ट। मतलब पास्ट में जैसा बना, पास्ट में अगर वो चीज बना तो पास्ट में उसका क्या रिएक्शन आया, वही चीज को हम लोग प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 10 तरीके का चार्ट पैटर्न है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और रेक्टेंगल। अब क्या हम लोग 10 जितने भी चार्ट पैटर्न है सब पे ट्रेड लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। एक चीज हमेशा बार बार नोट करना है इसको, चार्ट पैटर्न थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ये उतना परफेक्ट वर्क नहीं करते, काफी बार ये फेल होंगे। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डबल टॉप होता क्या है। आप यहाँ पे देखो डबल टॉप किस तरीके का होगा, ये हमारा मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं हमारा नेकलाइन या फिर इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर जाके ये अपना फर्स्ट टॉप बनाया। इसका मैं अभी आप लोगों को लाइव एग्जांपल चार्ट पे भी दिखाऊंगा, इसका क्या रिएक्शन आता वो भी बताऊंगा। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट टॉप बनाया, वापस नीचे की तरफ आया, जो इसका सपोर्ट का लाइन होगा वहां से प्राइस सपोर्ट लेगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो सेकंड टॉप बनाएगा, फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप लगभग इक्वल होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको चार्ट पे इतना एक्यूरेट मिलेगा नहीं जितना इसमें आपको दिख रहा है।
बट ये समझना कि लगभग इक्वल होना चाहिए, फिर वापस से प्राइस नीचे की तरफ आएगा नेक लाइन के पास, और जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलेगा फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। इसका मैं आप लोगों को एक बार चार्ट पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस यहाँ से नीचे किससे ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर वापस प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। अब जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे का ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न में भी लोग गलती क्या करते हैं वो चीज समझाता हूँ। पैटर्न को एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये इसका नेक लाइन है, समझना, ये इसका नेक लाइन है, ये इसका फर्स्ट स्टॉप है, लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको मान लेते हैं फर्स्ट स्टॉप, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड स्टॉप। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड टॉप, ठीक है। अभी हम लोग डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट टॉप, ये हमारा सेकेंड टॉप। अब यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसका नेक लाइन है। प्राइस ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा जैसा इस फोटो में दिख रहा है एकदम 100%। आपको चार्ट को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब ये इसका नेक लाइन है। अब इसका जैसे ब्रेकडाउन मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड ले लेंगे। अब लोग आपको जो मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का रूल बताया था वो भी चीज यहाँ पे फॉलो होता है। अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ भी आप ट्रेड गलत करोगे। अब अगर मान लेते हैं ये हमारा नेक लाइन है, आप यहाँ पे देखो इस कैंडल ने क्या किया, नेक लाइन को ब्रेक किया। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एकदम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया, कि रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोजिंग देता है, ये चीज मैं आप लोगों को बता दिया। तो अब हम लोग, मुझे एक चीज बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे, कोई भी एक बताओ, यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे इस कैंडल्स को देखकर, कोई भी बताओ। नो, मुझे रीजन भी जानना है क्यों नहीं लेंगे। सर हाँ बताइए, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल्स भी फॉलो करनी है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन हो गया। यस परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ब्रेकआउट का रूल क्या है उसको मैं आप लोग एक बार वापस से रिमाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो फिर आपका एक भी ट्रेड सही नहीं हो पाएगा। रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। कैंडल्स के ये बॉडी से ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये परफेक्ट है, फर्स्ट रूल काम कर रहा है। ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट तीसरा रूल क्या, ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा तो इसके बाद का कैंडल हम लोगों को नीचे क्लोजिंग चाहिए, बट यहाँ पे ये ग्रीन में क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पेशेंस खो देते हैं। वो ये करते हैं, मान लेते हैं कि 30 मिनट का रेंज है तो मार्केट इतना देर से आप लोग चार्ट पैटर्न का वेट कर रहे हैं, अब जाके ये ब्रेकडाउन दिया, तो आप यहाँ पे पेशेंस, जब इतना देर आप वेट किए हो तो एक कैंडल का और वेट कर लो। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो 30 मिनट का है, अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बदलू, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको कहीं भी डबल टॉप या डबल बॉटम मिलेगा तो वो सही वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो उतने परफेक्ट वर्क नहीं करते, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन, बट यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग दे दिया, तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे अवॉइड करेंगे। अब जितने लोगों ने इस कैंडल्स को देखकर नीचे का ट्रेड लिया होगा, इस कैंडल ने सबके असल को हिट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे का ट्रेड, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, मतलब 2 घंटे प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ चला गया, तो अब पेशेंस आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपने ट्रेड को होल्ड करो। अगर होल्ड करोगे तो लॉस बढ़ता चला जाएगा, एसएल हिट कर दोगे तो लॉस थोड़ा कम होगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज देखो, इस कैंडल ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, सेम ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो अब हम लोगों का एंट्री यहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ पे मैंने और लिखा हुआ, डोंट चूज पैराबोलिक मूव, पैराबोलिक मूव को चूज नहीं करना है, वेट फॉर रीटेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा और नोट करना, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स का टाइम अलग अलग है, तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो भी अलग अलग होगी। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 100 पॉइंट या 120 पॉइंट प्लस अगर उस कैंडल्स में है तो वो पैराबॉलिक कैंडल्स आता है, लेकिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 100 पॉइंट का कैंडल्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैराबॉलिक कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट का, यहाँ पे टाइम भी ज्यादा है, और जब टाइम ज्यादा होगा तो यहाँ पे उसके हिसाब से मोमेंट भी उस कैंडल्स में ज्यादा आएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कम होता है, उसके हिसाब से 120 130 से प्लस पॉइंट अगर उसको मिल गया तो वो पैराबॉलिक कैंडल में आता है। यहाँ पे एटलीस्ट 200 से ज्यादा पॉइंट का कैंडल्स होगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग उसको पैराबॉलिक कैंडल्स मानेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना। अब ये मत सोचना कि अगर यहाँ पे 150 पॉइंट का कैंडल्स बन गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो वो खराब कैंडल्स, वो पैराबॉलिक कैंडल है, वो पैराबॉलिक कैंडल नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी है, तो वो भी तो हम लोगों को नोटिस करना है ना। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के रूल्स पे वापस आते हैं। इस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, या फिर नीचे लिखा हुआ वेट फॉर रीटेस्ट, आप रीटेस्ट का वेट कर लो, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है इस रेंज के पास, आप यहाँ पे कहीं पे भी खरीद लो, जैसे खरीदोगे फिर प्राइस नीचे की तरफ फॉल। अब हम लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि सर एंट्री कहाँ बनेगा, जब इसका हम लोगों का परफेक्ट ब्रेकआउट मिलेगा इस कैंडल के क्लोजिंग पे, यहाँ पे ये क्लोजिंग देता है नीचे, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, अदरवाइज रिटेस्ट करने जाता है वहां पे एंट्री कर लो, बात एक ही है। अब इसका टारगेट की बात करते हैं। टारगेट क्या होता है? इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उतना ही हम लोगों का नीचे टारगेट होता है। मैं क्या करता हूँ, इसके बीच का एक बार डिस्टेंस को मेजर कर लेता हूँ। निकलाइन से लेकर जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। अब इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रख दो, आप यहाँ से भी इसको मेजर कर सकते हो, प्राइस वापस से ऊपर की तरफ गया, या फिर अगर आप इस रूल को भी फॉलो करोगे कि जहां पे कैंडल्स का क्लोजिंग आया मैं वो देखना चाहता हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे इसको रखूंगा। ठीक है, अब ये हमारा टारगेट है, इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ये हमारा बेस पॉइंट मार्क। अब आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखो, मैंने टारगेट को मार्क, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये कितना परफेक्टली वर्क किया, आप इस चीज को समझो। एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से फॉल किया, आपने टारगेट को टच किया, वापस से प्राइस ऊपर की तरफ गया, 160 पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंट मिला 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये निफ्टी का ग्राफ है। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो 30 मिनट के कैंडल्स को देखकर, लेकिन यही है कि ये कैंडल्स 2:15, इसके बाद यहाँ पे मार्केट आपको दूसरे दिन का भी पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इंट्राडे कितने देर में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे, 30 मिनट का अगर रेंज फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरनाइट होल्ड करने से क्या होता है, ओवरनाइट में कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आ जाता, मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो ये अगर हमारा 3:15 का कैंडल, तो ये कैंडल ओपन हुआ था कल, तो यहाँ पे ये ओपन हुआ था, थोड़ा हाई बनाया और यहीं से इसको रिजेक्शन मिला और नीचे की तरफ आ गया। ब्रेकआउट कब दिया था, वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन अपना टारगेट दिया, मतलब टारगेट तो दिया, कोई न्यूज नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था, तो चार्ट पैटर्न परफेक्ट वर्क किया, इसका जो टारगेट था उसको मार्केट ने अचीव किया और यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर की तरफ चला गया। अब लोगों के अंदर क्या होती पता है, लालच। लालच क्यों, वो भी समझो। आपने यहाँ पे ट्रेड खरीदा, आपको 160 पॉइंट का मिल गया। एक बार मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपने कोई भी निफ्टी का खरीद लिया, 100 रुपीज का आपने खरीदा, ठीक है, 100 रुपीज का खरीदा, निफ्टी में 50 का लॉट होता है, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया, 5000 रुपीज, आपको कितना पॉइंट का यहाँ पे मोमेंट मिला, 160 पॉइंट का। अब अगर यहाँ पे आप, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, आपने इन द मनी का प्रीमियम खरीदा होगा, ठीक है, अगर इन द मनी का प्रीमियम खरीदा है, मतलब जहाँ पे मार्केट है उससे भी 100-200 पॉइंट का अंदर, तो यहाँ पे अगर 160 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो आपकी प्रीमियम का प्राइस भी 160 पॉइंट बढ़ेगा। अब यहाँ पे 100 रुपए का प्रीमियम है तो ये कितना बढ़ के हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 260 मल्टीप्लाइड बाई 50, टोटल अमाउंट 13,000 हो रहा है। आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया था, -5,000, प्रॉफिट कितना हो रहा, 8,000 रुपए का, मतलब आपको इस ट्रेड में 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 5,000, प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 रुपए का। अब लोग 5,000 लगा के 8,000 तभी कमा सकते हैं जब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पता होगा, ये ब्रेकआउट का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पता होगा, आपका साइकोलॉजी वर्क करेगा, आपको अपने सेटअप पे विश्वास होगा, और आपका जब टारगेट अचीव होगा तो वहां पे आप डिसिप्लिन ट्रेडर के साथ अपना प्रॉफिट बुक करोगे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, थोड़ा सा भी मन के अंदर लालच आ गया कि ये 8,000 के प्रॉफिट को हम लोग 10,000 कर देते हैं, तो वो प्रॉफिट आपका तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देखो टारगेट को अचीव करने के बाद प्राइस ऊपर चला गया यार, इसके बाद प्राइस 2,000 पॉइंट गिर जाए कोई मतलब नहीं है मुझे, मेरा टारगेट क्या था, ये पॉइंट, मेरे को बस अपना टारगेट चाहिए, उसके बाद मुझको लालच है ही नहीं, उसके बाद आपका कोई दूसरा सेटअप बनेगा, फिर आप नीचे की तरफ ट्रेड लो, वो तो बात की बात है। लेकिन आपने जिस सेटअप पे ट्रेड लिया उसका जो रूल है, उसका जो टारगेट है, उस पे तो डिसिप्लिन की तरह टिके रहो। यहीं पे लोग ट्रेडर जो होते हैं वो गलती कर देते हैं, जो प्रोफेशनल जो रूल को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। जो नए लोग होते हैं जिनको पता सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अपनी पोजिशन को बुक नहीं कर पाते प्रॉफिट को। अब किन्हीं के साथ होता है कि वो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर देते हैं। अब आपने अगर यहाँ पे खरीदा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट 5,000 लगा के 3,000 का प्रॉफिट हो गया, 8,000 टोटल आपने यहाँ पे अपने पोजीशन को, आपको पता है टारगेट ये है लेकिन फिर भी आपने क्या किया, यहाँ पे अपने पोजीशन को बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको अपने सेटअप पे बिलीव नहीं है। कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग में कर लो, आप उसके बाद देखो कि प्राइस यहाँ तक किया, फिर आपको लगेगा कि हाँ टारगेट तो मार्केट इस कैंडल, अगर ये पैटर्न बन रहा है
तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी बनेगा तो मैं इस पे अपना पूरा पोजीशन होल्ड करके रखूंगा जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक के लिए। तो आप ये दूसरी बार तीसरी बार में करना, फर्स्ट टाइम पे अगर आप कर रहे हो आप अपना पोजीशन बुक कर लिए थोड़े से ही प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप लॉस तो बुक नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ ट्रेडर क्या होते हैं फर्स्ट टाइम ही करेंगे, टारगेट अचीव हो गया लेकिन फिर भी होल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ से प्राइस देखोगे कि कितना ऊपर चला गया, अब यहाँ से प्राइस 150 पॉइंट वापस से ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे आपके प्रीमियम का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 12,000 मान लेते हैं, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस कैंडल क्लोजिंग दिया, अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 5,000 से 4,000 का, फिर आपको लगेगा यार थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा ना, 5,000 तक आएगा तो अब बुक कर दूंगा, नीचे क्या आएगा फिर प्राइस। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा था 4,000 का, अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 3,500 का, 3,000 का मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे ये प्रॉफिट भी आपका चला जाता है, आप इसको भी बुक नहीं कर पाते, सोचते हो कि आपने एक बार अगर 5,000 देख लिया ना फिर उससे अगर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो आपके अंदर ईगो है कि वापस से 5,000 पे आएगा फिर ही मैं बुक करूंगा अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये सब क्या होता है आपको मैं जब आगे बताऊंगा ना, आगे एक टॉपिक है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का, उसमें कैसे तरीके किस तरीके से हम लोगों को ट्रेडिंग करना है, क्या क्या चीज को फॉलो करना है, उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो वहां पे एक लाइन भी है कि अपने ईगो को साइड में रख के ट्रेडिंग करना होता है और अपने इमोशंस को भी, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बताऊंगा। अभी हम लोग चार्ट पैटर्न समझ रहे थे डबल टॉप, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया, अभी आपको ये चार्ट पैटर्न समझ में आया इसमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है, क्या हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए, क्या हमारा टारगेट और क्या स्टॉप लॉस की बात जो होती है, स्टॉप लॉस बता देता हूँ। अगर ये हमारा ब्रेकडाउन कैंडल है तो इसका हाई या फिर इसके थोड़ा सा ऊपर 10-15 पॉइंट आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब देखोगे तो इस कैंडल यहाँ तक गया था लेकिन अपने असल को हिट नहीं किया, लेकिन अगर आप इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हो तो इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने हिट कर दिया, आपका असल भी हिट हो गया। अगर असल हिट नहीं करोगे तो और थोड़ा ऊपर गया और ज्यादा लॉस होगा, लेकिन ये अगर जो ब्रेकडाउन मिला इस कैंडल ऊपर गया है कोई बात नहीं, ये रिटेस्ट कर रहा है, एटलीस्ट अपने असल को तो हिट नहीं किया। आपको हाई का स्टॉप लॉस लगा हुआ थोड़ा सा ऊपर का अपने स्टॉप लॉस को लगाकर रख सकते हो और नीचे जितना है उतना अपना टारगेट को अचीव कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो ब्रेकडाउन कैंडल होता है उसी के हाई या फिर उससे थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हो सेफ चलने के लिए। अब मार्केट नीचे जाएगा तो थोड़ा एसएल हिट करेगा ही, तो यहाँ पे आपको सेफ रहना है, एसएल को बचाना है, तो थोड़ा सा ऊपर अपने एसएल को लगाओ। समझ में आया सब लोगों को ये चीज? समझ में आ गया। एक मेरा एक डाउट था, बोलिए। मेरा डाउट ये था कि एसएल जो लगा रहे हैं ना हम लोग, तो एसएल जो है वो चार्ट को जो इसका ऑप्शन का चार्ट देख के लगाना है या फिर इसका चार्ट देख के लगाना? नहीं, आपको ऑप्शंस का चार्ट देखना नहीं है, आपको इंडेक्स का चार्ट देखना है, क्योंकि आप इंडेक्स के चार्ट को देखकर टारगेट डिसाइड कर रहे हो, तो इंडेक्स का चार्ट देखकर ही आपको एसएल भी डिसाइड करना है। एसएल हमें कैसे कैसे पॉइंट उसके मेजर करें फिर बता देता हूँ। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री किया, ठीक है, आप यहाँ पे प्रीमियम जो खरीदे इन द मनी का खरीदो, इसके ब्रेकडाउन पे अगर मार्केट चल रहा है 18,055 पे तो आपने 17,900 या फिर 17,800 का कॉल ऑप्शन को खरीद लिया, तो आप यहाँ पे इन द मनी खरीदा। अब इसका जितना पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा आपकी प्रीमियम का भी प्राइस उतना ही नीचे की तरफ जाएगा, या फिर अगर ऊपर जाता है तो उतना ही उसके अपोजिट जाएगा। तो आप यहाँ से इसके हाई को मेजर करो कितने पॉइंट का है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपने ट्रेड में एंट्री लिया तो इसका हाई 78 पॉइंट का है, तो यहाँ पे आपको जो एसएल लगाना है वो 78 टू लेकर 90 के बीच में लगाना है, मतलब 80 से ज्यादा और 90 के बीच में किसी भी पॉइंट का आप एसएल लगाओ, क्योंकि एग्जैक्टली ये 78 है तो 78 पॉइंट कम करके एसएल। अब अगर आपने मान लेते हैं यहाँ पे किसी भी प्रीमियम को 200 रुपये पे खरीदा है, ठीक है, तो 200 रुपीज माइनस 78 122 रुपया आपका यहाँ पे 122 का एसएल लगेगा। अब इसका आप टारगेट मेजर करो अपने यहाँ पे, मींस जो हमारा प्रीमियम है उसमें से इतना माइनस कर लेना, वो एसएल लगाना, वो एसएल लगाना है, वो भी इन द मनी कॉन्सेप्ट होगा तब। यहाँ पे आपको 157 पॉइंट का टारगेट है और 75-80 पॉइंट का आपका, मतलब 1:2 का रेशियो, 80 पॉइंट का आपका क्या है स्टॉप लॉस है, टारगेट 160 पॉइंट का, तो 1:2 का रेशियो फुलफिल हो गया। यहाँ पे आपको डबल टारगेट भी मिल रहा है अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। स्टॉप लॉस कैसे मेजर करना है, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम खरीद रहे हो तो इससे अपने हाई को मेजर करो, जितना पॉइंट होगा उतना ही पॉइंट क्या करना है कम करके अपना एसएल लगा देना है। अब अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट चलोगे, यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा छोटा करना है और प्रॉफिट ज्यादा करना है, तो एक कॉन्सेप्ट और समझाया था कि दूसरा कैंडल रिटेस्ट करने ऊपर जाता है या इसके बाद तो कैंडल थोड़ा ऊपर जाता है, ये जैसे ऊपर जाता है आप यहाँ पे एंट्री कर लो। अब मान लेते हैं कि जैसे रिटेस्ट करने की आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो अब जो आपका यहाँ पे एसएल होगा वो मात्र 40 से लेकर 50 पॉइंट के बीच का आएगा, क्योंकि आपका एंट्री ये हो रहा है और यहाँ से टारगेट तो आपका सेम होगा,
टारगेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका स्टॉप लॉस कम हुआ, ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस आएगा। स्टार्टिंग में नहीं होगा कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट पूरा। यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा, टारगेट सेम, तो वही होता। आप यहाँ से पॉइंट को मेजर कर लो, जितना पॉइंट का डिफरेंस आ रहा उतने पॉइंट अपने माइनस करके स्टॉप लॉस लगा लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई डाउट किन्हीं को भी? समझ में आया चार्ट पैटर्न डबल टॉप? हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, वो जो रेड कैंडल बन रहा है तीसरा कैंडल जो आप बता रहे थे, ऊपर ऊपर थोड़ा सा चार्ट दिखिए, और वो जो वो ऊपर जाएगा तो ग्रीन होगा ना सर? हाँ ग्रीन होगा, बिल्कुल ग्रीन होगा। तीसरा कैंडल हमको लगेगा कि ऊपर जा रहा है, मतलब अभी सी का कॉल हो रहा है, ऐसा तो लगेगा नहीं? क्यों लगेगा? क्योंकि आपका तो यहाँ पे रूल फुलफिल हो गया ना ब्रेकडाउन का, यहाँ पे आपको डर लगेगा, मैं मानता हूँ डर लगेगा, बट आप इससे पहले देखो ना, ये ब्रेकडाउन कैंडल है, ब्रेकडाउन के बाद नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे आपका ये जो ब्रेकडाउन है ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, इसके बाद प्राइस जब तक अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे लगाओ, इससे थोड़ा ऊपर ऐसे लगाओ। अब ये जहाँ पर यही पे तो आपको एंट्री करना है ना, जितना ये ग्रीन है कोई बात नहीं है, ग्रीन है कोई, उसी में तो आपको एंट्री करना है क्योंकि अभी ग्रीन है, लेकिन इसका जो क्लोजिंग होगा वो नीचे आके क्लोजिंग होगा। ये चीज समझो आप इस चीज को, ठीक है? समझ में आया? ग्रीन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ग्रीन में ही एंट्री करो। आपने क्लोजिंग का तो यहाँ वेट कर ही लिया था ना, कि ये कैंडल्स ब्रेकडाउन था, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, इसके ग्रीन के क्लोजिंग पे नहीं, आप यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री लो, या फिर ये थोड़ा ऊपर जाता आप यहाँ पे एंट्री लो। ये ग्रीन है कोई बात नहीं है, क्योंकि रूल हमारा जो है वो फुलफिल हो चुका है, ठीक है? हाँ जी। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को भी? आगे बढ़े अब हम लोग, आगे बढ़े, एक बार जल्दी से बता दो यस और नो। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा चार्ट पैटर्न है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। म्यूट कर लो सब लोग अपने आप को। अभी हम लोग समझे थे डबल टॉप, अब हम लोग समझेंगे डबल बॉटम। अब ये है हमारा डबल बॉटम, ठीक उसी का उल्टा। प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, फर्स्ट बॉटम बनाएगा, वापस जाएगा निकलाइन के पास, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। प्राइस वापस नीचे सपोर्ट के पास आएगा, दूसरा टॉप बॉटम बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा, जब इसका ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सेम इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर टारगेट। यहाँ पे भी ब्रेकआउट जो देखेंगे वो हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल दिखाता हूँ, समझना ध्यान से इस चीज को। प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, ये इसका क्या है, फर्स्ट बॉटम है। वापस प्राइस ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, ये इसका सेकंड बॉटम है। प्राइस वापस से ऊपर की तरफ गया, जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। ट्रेड में आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करो, जब प्राइस वापस से रिटेस्ट करने आ रहा है फिर एंट्री करो। टारगेट क्या होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा ऊपर टारगेट होता है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार टारगेट को मेजर करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे। 371 पॉइंट का ये टारगेट है। ये क्या है, बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम देखो, 30 मिनट का है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे फिर भी वर्क करेगा, ये उतना परफेक्ट है, बट बाकी चार्ट पैटर्न नहीं, उसके बारे में बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देखो, इसका ब्रेकआउट हुआ, आप रिटेस्ट पे एंट्री कर लो इस जगह पे, ठीक है? आप यहाँ पे रखो या फिर आप इस जगह पे रखो, बात एक ही है। फिर भी इस रेड कैंडल के वीक ने क्या किया, आपके टारगेट को अचीव कर दिया। ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से प्राइस हमेशा ड्रॉप किया है, आप देखोगे तो यहाँ से भी ओपन हुआ था प्राइस ड्रॉप, तो ये रेजिस्टेंस के पास वैसे भी प्राइस ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे अपने पोजिशन को होल्ड करना ही नहीं है। लेकिन आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके टारगेट को इसने क्या किया, अचीव कर दिया। ये ब्रेकआउट, यहाँ पे क्लोजिंग इस कैंडल के, आप यहाँ पे एंट्री करो, रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट है, उसके हिसाब से भी 370 पॉइंट मिल रहा है। प्राइस जब रिटेस्ट करने आ रहा है इस जगह पे, आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। जब रिटेस्ट करने आया इस लेवल को या फिर इस लेवल को, थोड़ा जितना नीचे आएगा आपको उतना ज्यादा स्टॉप लॉस कम लगाना पड़ेगा। अब जितना नीचे ट्रेड में यहाँ पे एंट्री करोगे स्टॉप लॉस बड़ा, यहाँ पे एंट्री करोगे स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट सेम होगा। अब यहाँ से देखोगे तो 370 पॉइंट का अपसाइड गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद इस कैंडल ने थोड़ा ऊपर गया, टारगेट को अचीव, उसके बाद प्राइस ड्रॉप। आप बोलोगे कि यहाँ पे हम लोगों को ओवरनाइट पोजीशन रखना होगा, बिल्कुल रखना होगा, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन आप नहीं रखो तो आपके लिए बेटर होगा, लेकिन ये काम करता है, ये चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर कोई भी निगेटिव पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगा
तब अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी आप चार्ट पैटर्न तो हमारा बना हुआ कि ऊपर की तरफ मार्केट गैप अप खुलेगा, लेकिन रात भर में कोई भी निगेटिव न्यूज आ जाएगा तो प्राइस यहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा या फिर गैप डाउन हो जाता है अगर खुल के यहीं से डायरेक्ट गैप डाउन, तो आपको तो लॉस हो जाता है। तो ओवरनाइट पोजीशन मत रखो अगर कोई भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव न्यूज आने वाला है तब। बाकी यहाँ पे देखो तो ये टारगेट को अचीव किया, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम। अब यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन सेकेंड, हेलो, हाँ जी, क्लास ले रहा हूँ जी। अरे मैम अभी मैं जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं, एक बार कॉल करके हम देख लो। ओके सॉरी गाइस, अभी मैं आपको क्या समझा रहा था, डबल बॉटम। यहाँ से देखोगे तो इसको मैंने यहाँ लगाया है, इस जगह पे नहीं लगाया है, इसका भी रीजन, ये भी चीज आपको समझना। आपको ये देखना है कि यहाँ पे लगाओगे तो सिर्फ इस कैंडल का विक टच हो रहा, इसको थोड़ा ऊपर करोगे तो ये, लेकिन इसका और इसका टच नहीं हो रहा, तो आपको ये कोशिश करना है कि इसको उस जगह पे रखना है कि जहां से इसका ज्यादा कैंडल्स टच हो। अब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इस कैंडल का भी वीक हो रहा है, और ये भी, ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ये फॉल्स ब्रेकआउट है। और अगर मैं इसको यहाँ अगर नीचे रख देता हूँ इस जगह पे, तो आपका टारगेट इसके हिसाब से बड़ा होगा, वो तो टारगेट यहाँ पे हमारा अचीव होगा ही नहीं। आप उसके हिसाब से होल्ड करके रखोगे, प्राइस नीचे की तरफ आएगा, तो फिर आप लोग बोलोगे अरे ये तो मिस्टेक हो गया। ये छोटी छोटी चीज होती है जो आपको फॉलो करना होता है, और इसी छोटी छोटी चीजों की वजह से लॉस होता है। चार्ट पैटर्न पता सबको है, कोई भी एक ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जिसको चार्ट पैटर्न पता नहीं होगा, नाम नहीं पता होगा, लेकिन उस पर ट्रेड करने बोलो कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, एक बार दो बार होगा, लेकिन ज्यादा बार क्या होगा, लॉसेज होते हैं। उसका भी रीजन है कि आप ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, इसको इस तरफ रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, 370 पॉइंट का ही डिफरेंस है, इसके हिसाब से 370 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा, क्योंकि चार्ट उसी हिसाब से चलता है। आप कोशिश यही करना है कि आप ये देखो कि कैंडल्स ज्यादा कहाँ पे टच हो रहा, ये भी हो गया, ये दोनों भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी लगभग उसी हिसाब से हुआ है। मैम का कॉल आया था, आ रही है, नहीं उनकी तबीयत खराब, ओके। ये हमारा क्या था, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, इसको कहां पे रखना है, जहां पे ज्यादा कैंडल्स टच हो जाए, उसके हिसाब से फिर हमारा टारगेट अचीव, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। इसका मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, पहले आप ये चीज बता दो, आपको ये समझ में आया, डबल बॉटम समझ में आया सब लोगों को, समझ में आया, यस और नो? यस यस सर। ओके सेम वही है, इसका स्टॉप लॉस अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है तो इसका लो का हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे एंट्री करोगे तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस होगा, वही हिसाब से हम लोगों का टारगेट होगा। अब मैं यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे ये चीज, ये चार्ट पैटर्न मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि चार्ट पैटर्न जरूरी नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट मिल जाए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम है, प्राइस नीचे की तरफ आया, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, लेकिन इस नेकलाइन को टच नहीं किया, लेकिन इस नेकलाइन के पास एटलीस्ट आया, ठीक है, इस नेकलाइन के पास आएगा, इसको एकदम टच करना ये जरूरी नहीं है, मतलब लगभग इक्वल होनी चाहिए, लगभग इक्वल है, फिर भी यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे एक बार हम लोग मेजर करते हैं कि हमारा जो टारगेट है और जो है वो अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हम मान लेते हैं ये इसका क्या है, ब्रेकआउट। अब ये लाइन भी यहाँ रखने का रीजन कि जितने भी ऊपर कैंडल्स दिख रहे हैं सबका वीक बॉडी टच हो गया, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली वर्क करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस को मेजर कर लेता हूँ, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 9 पॉइंट का। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ, आप इसके रिटेस्ट पे ट्रेड लो या फिर यहाँ पे ट्रेड लो, फिर भी आपका ये टारगेट अचीव कर देगा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है। आप देखोगे तो क्लोजिंग पे भी अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, फिर भी आपका टारगेट इस रेड कैंडल के वीक ने 9 पॉइंट का अचीव कर दिया, और अगर आप यहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड ले रहे हो तो फिर आपको यहाँ से कितने पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, आप वो भी देख लो, 14 पॉइंट का। तो इस मूवमेंट को कम करने का तभी होगी जब आप थोड़ा सा रिस्क लो, प्राइस जितना नीचे की तरफ आ रहा है रिटेस्ट पे एंट्री करो, फिर भी टारगेट आपका सेम होगा, उस हिसाब से फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, टारगेट अचीव साइडवेज। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट पे ये परफेक्ट वर्क करता है। तो मैं आपको बस दो चार्ट पैटर्न पे बहुत ज्यादा फोर्सफुली और इतना चीज समझा दिया कि इस चीज को फॉलो करके आप जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं सबको फॉलो कर सकते हो, लेकिन ट्रेड किस पे लेना वो मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, अभी आपको बस चार्ट पैटर्न समझा देता हूँ। दो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया, डबल टॉप और डबल बॉटम।
दोनों पे मैं आपको इतना नॉलेज दे दिया कि आप जितने भी बाकी के चार्ट पैटर्न्स हैं उस सब में ये सेम रूल फॉलो होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस शेप अलग होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, फर्स्ट शोल्डर, वापस से प्राइस नीचे की तरफ आएगा नेकलाइन के पास, फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हेड बनेगा, फिर वापस नेकलाइन के पास, फिर शोल्डर, फिर नीचे की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये शोल्डर और ये शोल्डर लगभग इक्वल होनी चाहिए और इसकी हेड इसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी जो बॉडी है वो क्या, शोल्डर नीचे हमारी हेड ऊपर है, वैसे ही सेम टू सेम वही ये चीज यहाँ पे भी फॉलो होता है। हमारी जो शोल्डर होगी अपने हेड से नीचे, अगर ये तीनों लाइन इक्वल हो जाएगा तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं कहलाएगा। इसका ब्रेकडाउन होगा नीचे की तरफ, जो हमारा टारगेट होगा नेकलाइन से लेकर हेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही नीचे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो ब्रेकडाउन कैंडल होगा इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रूल को फॉलो करना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे ही वर्क करेगा, एक घंटा या फिर दो, एक घंटा 30 मिनट, 4 घंटा, या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप इस पर ट्रेड ले रहे हो तो आपको मोमेंट भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा और सही तरीके से इसकी एक्यूरेट शेप भी नहीं मिलेगी ज्यादातर। अगर मिल भी जाती है कभी कभी तो देखना कि वो एग्जैक्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनने में। अब एक दिन में ये कंप्लीट नहीं होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको बनने में 2 दिन लगेगा। अब 2 दिन लगेगा तो कभी गैप अप हो जाता है, कभी गैप डाउन हो जाता है, तो ये उतना परफेक्ट वर्क करेगा ही नहीं। आपको यहाँ पे 30 मिनट का रेंज फॉलो करना है, या फिर डेली टाइम फ्रेम, या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, और ऐसा चार्ट पैटर्न आपको कहीं भी मिलता है तो आप उसके हिसाब से फिर ट्रेड करो। इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका ठीक अपोजिट होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, प्राइस नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, जैसे कि ये था ना, इसी का ठीक अपोजिट। नेकलाइन का ब्रेकआउट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर टारगेट, ब्रेकआउट कैंडल जो होगा उसका हाई जो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। राइजिंग वेज, राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न पे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना। आप बस इसको समझो कि ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी मतलब इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ऊपर की तरफ राइज कर रहा है और प्राइस इसके रेंज के अंदर बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज, ठीक है। और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलता है देन प्राइस नीचे की तरफ आता है, टारगेट यहाँ से लेकर इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा नीचे टारगेट हो जाता है। ये सब एग्जैक्टली वर्क नहीं करता है, आप इस पे ट्रेड बिल्कुल मत लेना। अब मैं आपको समझाऊंगा ऊपर दिखा कर दसों में कि किस पे ट्रेड लेना है किस पे नहीं लेना। फॉलिंग वेज, बस समझो इस चीज को, इस पे ट्रेड नहीं लेना है, बस इसको समझ लो। ये क्या होता है डाउन ट्रेंड, ये भी डाउन ट्रेंड, मतलब दोनों क्या कर रहा है फॉल कर रहा है, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी, प्राइस इसके बीच में रहेगा, इसका जैसे ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग फिर ऊपर का ट्रेड लेंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर टारगेट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग वेज। अब ये है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल होगा बट इसका जो सपोर्ट लाइन आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अब ये कभी कभी ऊपर का भी ब्रेकआउट दे देता है, कभी कभी नीचे का भी ब्रेकडाउन दे देता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये किस तरफ का ब्रेकडाउन दे रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाले में, जैसे कि ये है तो नीचे का ब्रेकडाउन दिया। अब अगर यहाँ पे क्या होता कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाता और ऊपर का ब्रेकआउट दे देता तो हम लोगों के इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा यहाँ पे टारगेट बनता, अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता तो, और नीचे का ब्रेकडाउन दे रहा है इसलिए हम लोग नीचे का ट्रेड ले रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी सेम, प्राइस यहाँ से अगर ऊपर चला जाता सपोर्ट लेके और ऊपर का ब्रेकआउट देता तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा ऊपर टारगेट होता है। ये हमारा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। शेप अलग अलग होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके लो का स्टॉप लॉस लगाना, परफेक्ट ब्रेकआउट का रूल मिलना चाहिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उतना ही पॉइंट हमारा ऊपर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। उसका ठीक अपोजिट डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे सपोर्ट इक्वल होगा, देख सकते हो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस मतलब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा मार्केट, नीचे का ब्रेक डाउन देगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा नीचे टारगेट होगा। यह है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा जो परफेक्ट वर्क करता है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल करता है। मैं अगर बताऊं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बस सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही ऐसा एक चार्ट पैटर्न है जो एक परफेक्ट वर्क करता है बाकी जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं उस सब के कंपैरिजन में। ये आपको जब भी बनने को मिलेगा ना तो आप यहाँ पे देखना ये एकदम एग्जैक्टली अपना टारगेट भी देगा। अभी मैं आप लोगों को अभी जैसे कि कोटक वाले में एग्जाम्पल दिखा रहा था, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल लिया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जाम्पल भी मैं इसलिए दिया क्योंकि ये ज्यादातर बनता है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत अच्छी है, एटलीस्ट 90 के आसपास इसकी एक्यूरेसी है, ये परफेक्ट वर्क करेगी। बाकी जितने भी चार्ट पैटर्न्स है वो तो पहली बात है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बनने के लिए भी बहुत कम दिखेंगे और अगर दिखते भी हैं तो उसकी उतनी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल नोट कर लेना बहुत अच्छा वर्क करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है 2, 3, 4, 5, ऊपर एटलीस्ट 3 बार टच होना चाहिए, नीचे भी एटलीस्ट 3 बार टच होना चाहिए, 2 बार टच हो रहा है
उतना कंसीडर उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी। अगर नीचे भी तीन बार ऊपर भी तीन बार टच हो गया तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल परफेक्ट है। अब इसमें जिस तरफ का ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि इसका ऊपर का ही ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ कोटक में बताया ऊपर का मिला तो ऊपर, नीचे का मिला तो नीचे, वैसे ही सेम सिमेट्रिकल में होता है। ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये सपोर्ट है, ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो तीन बार रेजिस्टेंस को टच करना चाहिए, तीन बार सपोर्ट को टच करना चाहिए। और तीन बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक कोई भी सपोर्ट तीन बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है तो चौथी बार में वो वीक हो जाता है, चौथी बार में वो क्या होता है ब्रेकडाउन दे देता है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस तीन बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया तो चौथी बार जब जाता है तो ये रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, चौथी बार में इसका ब्रेकआउट मिल जाता है। इसलिए दो बार में वो उतनी वीक नहीं होती है। अब यह बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है, ये भी आपको एक्यूरेट वर्क करने को मिलेगा जब भी बनेगा। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, इसकी टारगेट आराम से अचीव हो जाती है। मार्केट अप ट्रेंड में और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है बट प्राइस नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर भी है, इसलिए प्राइस प्रॉफिट बुक होने के बाद भी नीचे नहीं जा रहा। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर गया, मतलब एक तरीके से स्टॉप हो गया, साइडवेज हो गया। अब जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर का टारगेट होगा, जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा। प्रॉफिट बुक करो, 80% प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद जितना ऊपर जाता है उसको अपने 20% प्रॉफिट के साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, जितना मिल रहा है उतने पॉइंट को कैच कर लो। ये हमारा बुलिश रेक्टेंगल, इसका ठीक अपोजिट होता है बेयरिश रेक्टेंगल। मार्केट डाउन ट्रेंड में फिर कंसोलिडेट करेगा, मतलब मार्केट गिरा, यहाँ पे जो पी खरीदे थे उनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ थोड़ा सा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे और नीचे का ऑर्डर लग रहा है, इसलिए यहाँ पे नीचे का ब्रेकडाउन देगा और प्राइस यहाँ पे क्या होगा नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा नीचे टारगेट होगा। अब मैं आप लोगों को एक बार डिस्कस बता देता हूँ, इतना ही चार्ट पैटर्न है, इससे ज्यादा आपको चार्ट पैटर्न जानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो टोटल 10 चार्ट पैटर्न है। पहले आप एक चीज बता दो कि मैं आप लोगों को जितने भी अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बताया सब कुछ आपको क्लियर हुआ, उसके बाद में बताता हूँ कि किस चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेना है किस पे नहीं लेना। पहले ये बता दो चार्ट पैटर्न समझ में आया क्या होता है, कितने तरीके की चार्ट पैटर्न है, किस पे ट्रेड लेना है किस पे नहीं लेना है। यस सर, सर 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 समझ, सबको समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया एक बार बता दो। यस सर, यस सर, यस यस सर, तीन ही चार लोगों का आवाज आया यार, सब लोग बताओ, सब लोग म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते चैट बॉक्स में बता दो। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखो चार्ट पैटर्न में आपको बताया, अब ये सिर्फ बताने से आप लोगों का काम होने वाला है नहीं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न अगर बता रहा हूँ तो इसकी चार्ट पे इसको खोजो और देखो कि इसकी टारगेट अचीव हो रही है या फिर नहीं हो रही, तभी आपको समझ में आएगी कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। यहाँ पे अगर 10 चार्ट पैटर्न है तो यहाँ पे आपको ट्रेड किस पे लेना है और किस पे नहीं लेना वो मैं एक बार डिटेल में समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना, नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब पे भी देख लेना। डबल टॉप आप इस पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हो, डबल बॉटम पे भी ट्रेड ले सकते हो, ये आपको ज्यादातर बनने के लिए दिखेगा भी। तो आप इस पे और इस पे अच्छा वर्क करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। राशिद हुसैन, क्लास अब खत्म होने पे है, 58 मिनट का लेक्चर हो चुका है, अब इतने लास्ट में आया हूँ, यूट्यूब पे देख लेना इसको तभी समझ में आएगा। म्यूट कर लो अपने आप, कोई बात नहीं है, म्यूट कर लो। डबल टॉप और डबल बॉटम ये दोनों पे आप ट्रेड ले सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, और ये अच्छा वर्क करता है तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क उतना अच्छा नहीं करता है और ये आपको ज्यादातर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनने को भी नहीं दिखेगा, ये आपको ज्यादातर दिखेगा 30 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये बनने को दिख रहा है तभी ये अच्छा वर्क करेगा। ये कभी कभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा बट उस पर आप ट्रेड मत करना, क्यों, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर अगर डबल टॉप और डबल बॉटम से कंपेयर करेंगे तो आप इस पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 5 ट्रेड में या 6 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, 4 ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी उतनी अच्छी, आप वैसे सेटअप पे ट्रेड लो जिसमें आपको 10 में 8 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, 102 ट्रेड में बस लॉस हो रहा है, तो उस चीज को फॉलो करना, तो वो डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ है, हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर के साथ उतनी एक्यूरेसी अच्छी
नहीं है, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज पे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेना है। एसेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल आप इस पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यही है कि यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बनना है या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे बनना है। ये अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो अच्छा वर्क करेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो अच्छा वर्क करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम के या फिर मान लेते हैं 3 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे अच्छा वर्क नहीं करेगा। अब इसका भी रीजन है क्योंकि अगर ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनेगा ना तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन होता है, और जब गैप अप और गैप डाउन होगा ना तो यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न उतना अच्छा वर्क नहीं करता, फेल हो जाता है, क्योंकि कैंडल्स के बीच में क्या आ जाता है, गैप्स आ जाते हैं, तो ये फिर वहां पे तो ट्रेड हुआ ही नहीं है, तो उसमें फिर ट्रेड होता है, फिर वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो ये उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। एग्जैक्टली जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक बार असेंडिंग ट्रायंगल देखने में कैसा है, आप देखो। अब अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल है डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल बना, फिर मार्केट गैप डाउन, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, इसको टच ही नहीं किया, गैप अप हो गया, फिर यहाँ पे गैप डाउन, तो गैप अप गैप डाउन वाले सिनेरियो में ये उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल गैप अप और गैप डाउन में अच्छा वर्क नहीं करता, ज्यादातर ये अच्छा वर्क तब करेगा जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनेगा। ट्रेड ले सकते हो 50% क्वांटिटी यूज करना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बहुत अच्छा वर्क करता है, इसमें आप अपना 100% क्वांटिटी लगा सकते हो, तीनों टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करेगा, 5 मिनट पे भी 15 मिनट पे भी, और डेली टाइम फ्रेम पे ये उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल 5 मिनट पे करेगा, 15 मिनट पे करेगा, 30 मिनट पे करेगा, और 30 मिनट पे तभी करेगा जब बीच में ज्यादा बड़ा गैप अप और गैप डाउन न हो। रेक्टेंगल ये भी सही है, इस पे भी आप अच्छा क्वांटिटी यूज कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से उतना अच्छा ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि गैप अप गैप डाउन होगा। तो यहाँ पे आपको टोटल चार कैंडल्स ऐसे, चार चार्ट पैटर्न्स ऐसे हैं जिसपे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। कौन कौन से है, डबल टॉप डबल बॉटम दो हो गए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये चार चार्ट पैटर्न्स पे आपको अच्छा ट्रेड लेना है, तीनों टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करेगा, 5, 15, 30। इसके अलावा हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, असेंडिंग ट्रायंगल है और डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये चारों पे आप ट्रेड ना करो अभी तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आप ट्रेड आपको करना है तो सिर्फ डबल टॉप डबल बॉटम सिमेट्रिकल ट्रायंगल और रेक्टेंगल, बेयरिश रेक्टेंगल और बुलिश रेक्टेंगल, ये सारे चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करो, बाकी को अवॉइड करो। अभी क्या करो, वो चार्ट पैटर्न्स को देखो, अगर वो बन रहा है तो उसको एक्सपीरियंस करो, उसका टारगेट हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्या हो रहा है, टारगेट मिल रहा है तो किस तरीके से मिल रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। जब ऐसे आप 1-2 महीना देखोगे ना उस सारे चार्ट पैटर्न्स को, तो फिर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, देन आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फिर जब आप देखोगे तो आपको लगे यार हेड एंड शोल्डर बना, इसका टारगेट अचीव हो गया, सर ने मना किया था ट्रेड लेने से, मैं नहीं लिया, अगर लेता तो प्रॉफिट होता। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कि आप ट्रेड लो ही मत, आप लो बट एटलीस्ट उसको 10 बार 12 बार बैक टेस्ट कर लो, चेक कर लो, अगर वो बन रहा है तो उसकी क्या एक्यूरेसी है, क्या उसकी टारगेट अचीव हो रही है। जब आप ये खुद से देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, देन आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर पाओगे। और अगर डबल टॉप डबल बॉटम सिमेट्रिकल ट्रायंगल और रेक्टेंगल बन रहा है तो इसकी क्या एक्यूरेसी है, इसका कितना जल्दी टारगेट अचीव हो रहा है, साइडवेज तो नहीं हो रहा, ये सब चीज को जब फॉलो करोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे देन आपको अपने आप कंपेरिजन समझ में आएगा कि कौन कितना अच्छा वर्क करता है। समझ में आया सब लोगों को, समझ में आया? यस सर। सब लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर समझ आया सर। कोई भी डाउट किन्हीं को अभी? नो सर, नो सर। किन्हीं को अभी कोई भी डाउट नहीं है? नो सर। अब देखो कल का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्विंग ट्रेडिंग। अभी हम लोग कैंडल्स के बारे में समझ गए, चार्ट्स के बारे में समझ गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए, अब हम लोग कल समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। मतलब फर्स्ट पेज में हमारा जितना भी टॉपिक्स है वो क्लियर हो चुका है, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पैटर्न्स। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अभी पूछ लो, फिर आप कल पूछोगे उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर हमारा मेन टॉपिक जो स्विंग ट्रेडिंग वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अभी अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एक बार अभी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी पूछो, अभी उसको क्लियर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हमारा पीछे का सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ेंगे तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपका पीछे बेसिक्स क्लियर ही नहीं है, फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे ले जाऊंगा तो आगे प्रॉब्लम्स होगी, जब फिबोनाची और हार्मोनिक सिखाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहां पे कैंडल्स का बिहेवियर पता नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे दिक्कत होगी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ में नहीं आ रहा तो और ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कल स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो हम लोग वहां पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है,
कैसे इस पर ट्रेड करना होता है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ये बता दो कि आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जितना अभी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, टेक्निकल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल्स और चार्ट, इसमें कोई भी डाउट किन्हीं को भी? पांच के टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जा रहा है, उसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है सर। पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जा रहा है। हाँ हाँ सर, आपको ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाना है। आप पहले क्या करो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लो। जब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पहली बात यह है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना होता ही नहीं है। आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करोगे और उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड लोगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट है। अब अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम देखोगे तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है, ये वाला हमारा सपोर्ट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको मार्क करूंगा। ये हमारा 30 मिनट का सपोर्ट है, ठीक है, म्यूट करो अभी 2 मिनट के लिए। ये हमारा 30 मिनट के हिसाब से हमारा सपोर्ट लाइन है और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट है। तो आप डेली टाइम फ्रेम को देखोगे तो सपोर्ट बड़ा हो जाएगा रेजिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन जब 30 मिनट देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट और यहाँ से सपोर्ट। अब फिर जब आप वापस इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बदलोगे तो नहीं आपको अच्छा चीज समझ में आया कि अच्छा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग इसको बदल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को सही ट्रेड मिलता है। अब यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम से आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मार्क होगा। रेजिस्टेंस कैसे मार्क होगा देखो, इस कैंडल से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर प्राइस जब ब्रेकडाउन दिया तो नीचे आ गया, फिर जब प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो नीचे, फिर इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट वापस ऊपर, फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट मिला प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये हमारा क्या बन गया, 30 मिनट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया। ये हमारा 30 मिनट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, नहीं रहने देता हूँ, वो तो ऊपर है। अब ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी और 30 मिनट के टाइम फ्रेम से, आप यहाँ से ही बस इस चार लाइन को देखना, ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट है और ये 30 मिनट का है। अब क्या करूंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से प्राइस ड्रॉप हुआ नीचे की तरफ। अब इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करो, ये अगर आप 30 मिनट का रेंज नहीं मार्क करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना, 300 पॉइंट का है, तो इसके बीच में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करके। अब आप यहाँ पे देखो यहाँ से भी प्राइस क्या हो रहा है, अब ये हमारा गैप अप खुला, तो गैप अप में क्या होता है, हमें 30 मिनट का रेंज को मार्क करना होता है हाई और लो को, ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही समझाया था। अब ये हमारा 30 मिनट के यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो 30 मिनट के हिसाब से हमारा लो क्या बनेगा ये, और 5, 10, 15, 20, 25, 30 रेड कैंडल का जो हाई है वो हमारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हाई बनेगा और ये लो बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गैप अप हो गया। यहाँ पे हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल रे ना कि लाइन। अब यहाँ पे देखोगे तो ये लो है, प्राइस ऊपर ही, अब डे लो है इसको बोल सकते हो या फिर 30 मिनट का मैं लो बोलता हूँ। प्राइस जब वापस से यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेके ऊपर, फिर जब वापस से प्राइस आएगा सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से देखोगे तो सपोर्ट इसी लाइन से ऊपर, लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन मिला प्राइस नीचे की तरफ आ गया, फिर इसका जब ब्रेकडाउन मिला प्राइस इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फॉल। ये हमारा क्या है, गैप अप होने के बाद 30 मिनट का लो और हाई मार्क करना होता है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी समझाया था, आप नहीं मार्क करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखो पूरा प्राइस साइडवेज, जब इसका ब्रेकआउट मिला प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर जब इसका यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ, यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकडाउन नहीं है लेकिन फिर भी प्राइस नीचे की तरफ आया है, तो अब लोग क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे तो परफेक्ट ब्रेकडाउन हो गया है, प्राइस नीचे की तरफ भी आ गया लेकिन आपके वजह से आपका रूल फुलफिल नहीं हो रहा, मैं तो ट्रेड नहीं लिया। लेकिन आप ये सोचो कि आपको एक बार ट्रेड छूट रहा है लेकिन 10 बार 8 बार 9 बार तो आपका ट्रेड से पैसा बच रहा है ना लॉस होने से। यहाँ पे प्राइस ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्राइस नीचे आया, वापस से रिटेस्ट किया, लेकिन ये क्या हुआ, शूटिंग स्टार बना। लेकिन यहाँ पे आप देखेगा तो ट्रेड ले सकते हो शूटिंग स्टार पे, क्यों, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताया था, जब प्राइस यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया कितना देर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 1 घंटा 5 मिनट, मतलब अपने क्या हुआ, इस सपोर्ट के नीचे 1 घंटा 5 मिनट प्राइस सपोर्ट पे सस्टेन कर गया, उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करने गया यहाँ पे, और उसके बाद क्या बोला, शूटिंग, मतलब 1 घंटा अगर इसके नीचे प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर सस्टेन कर गया, इट मींस कि अब जब ऊपर जा रहा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस आया,
इसके बाद ही चला जाता ना ये रेड कैंडल ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बन जाता तो ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि 5 ही मिनट तो सस्टेन किया, हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ चला जाता, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे एक घंटा से ज्यादा डे ट्रेवल कर जाए देन ये चीज समझना कि अब हो सकता है तो यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट है, लेकिन ये शूटिंग स्टार बना तो कैंडल्स को देखकर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और रेजिस्टेंस पे बन रहा है, रेजिस्टेंस क्यों हो गया, क्योंकि इसके नीचे प्राइस एक घंटा से ज्यादा देर सस्टेन कर गया, अब जब वापस ऊपर जाएगा यहाँ पे देखो तो ड्रॉप, फिर शूटिंग स्टार कैंडल्स क्लोजिंग, आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये चीज अभी मत करना, अभी आप इसको पहले एक बार एक्सपीरियंस करो, देन अपने आप आपको समझ में आएगा इस तरीके से चीज। आई होप आपको ये सब चीज आपको समझ में आया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना है, किन्होंने ये क्वेश्चन। ओके, और कोई डाउट किन्हीं को भी, कोई डाउट नहीं है, यस और नो एक बार बोल दो, नो सर या फिर यस सर, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। किन्हीं को भी नहीं है, ओके तो एक चीज और बता देता हूँ, कुछ लोग नए नए लोग आए हैं इस लेक्चर में, तो आप लोग पहले क्या करना, इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको YouTube पे देख सकते हो, उसके बाद ये फिर वापस से देख लेना YouTube पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल वापस से हम लोग मिलेंगे, और कल हम लोग समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। देखो क्लास खत्म होने वाला, फिर आए संजय विश्वकर्मा, क्लास खत्म होने वाला है, अब आप अटेंड करने आए हो, आप इसको यूट्यूब पे जरूर देख लेना, 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर हो गया, मैंने सुबह ही शाम में ही मैसेज कर दिया था कि क्लास आज 7 बजे से स्टार्ट होगी, तो आप इसको कल का डालना क्या, 8 बजे होगा, कल कितने तक होगी सर, कल 8 बजे होगी, ओके ओके, सिर्फ संडे के दिन क्या होती है ना, 7 बजे कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, कल का डाला है क्या, कल का वीडियो डाला है क्या, कल का वीडियो डाला हुआ, आप देख लो जाकर, कल ही तो डाल दिया था, कल तो बहुत जल्दी डाल दिया था मैं, 11 बजे से पहले ही, देखो कैसे देखना, YouTube पे जाना, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखना कि स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 3 के नाम से होगा, बैच 3 वाले पे क्लिक करना, देन वहां पे आप देख सकते हो, 3 लेक्चर होगा, आप तीनों को देखना, फिर इसको मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ, आप इसको भी देख लेना, ठीक है, बैच 1 का भी होगा, बैच 2 का भी होगा, बैच 3 का भी होगा, लेकिन अभी आप लोग बैच 3 का देखना। ओके संजय जी, सर एक पूछना था, हाँ जी बोलिए, हाँ सर, आज आप टॉपिक किया तो थोड़ा सा एक एडवांस टेक्नोलॉजी हमको कॉल में दे दीजिए, अपना कल के मार्केट में अभी 11 बजे आप बनाएंगे, तभी एक अनालिसिस होगा कि कल आपने जो दिया था वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना रजिस्टर और सपोर्ट इधर इधर हाई करके ऐसा, मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे, अभी समझो आज हो गया, आज लेक्चर हो गया सर, और आज मार्केट भी खत्म हो गया, तो कल सर आपका आपके अंदर से रजिस्टर इधर रहेगा सपोर्ट, तो हमको आइडिया आ जाएगा कि सही चल रहा है सर, आपके हिसाब से सही है यार, हमको भी स्टडी करने के लिए मिलेगा सर। ओके मैं आपको बता देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैं डेली ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप देख लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा जो सपोर्ट का लाइन है वो हमारा डे लो है, तो आप इसको मार्क कर लो, ये हमारा डे लो, तो अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा क्योंकि प्राइस इसके ऊपर है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 40,200 मान लो, 40,200 से लेकर 40,200 के, म्यूट कर लो अभी, 40,100 से लेकर 40,200 के बीच का जो एरिया है वो हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है, म्यूट कर लो प्लीज, ये इसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि ये सपोर्ट का एरिया, प्राइस इसके रेंज में आएगा वापस से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, आपको ये भी पता होगा कि अगर 40,130 है तो 40,000 क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट से भी प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस कर जाता है, तो ये अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट प्राइस इसके ऊपर है, तो यहाँ पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 40,130 से लेकर 40,200 के बीच में। अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे ये सेम रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। अब ये हमारा एक रेंज बना, प्राइस इसके बीच में खुलेगा, तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं,
और अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। अब गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, ये कल के मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं हार्मोनिक पैटर्न्स पे ट्रेड लेता हूँ। तो अभी आप ट्रेड करोगे तो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करोगे तो इसमें आपका हो सकता है कि एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं हो, गलत हो जाओ। तो मैं आपको जब हार्मोनिक पैटर्न समझाऊंगा तो उस पर आप ट्रेड लेना, देन आपको वहां पे समझ में आएगा। अब हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं तो वो भी ट्रेड कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल्स उसी चीज को फॉलो करके ट्रेड उस पर भी लिया जाता है। अगर हमारा रिवर्सल पॉइंट इस जगह पे आ रहा है देन यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे, यहाँ पे सपोर्ट भी है और हार्मोनिक पैटर्न्स के हिसाब से रिवर्सल पॉइंट भी है, तो यहाँ पे जो आपको डबल डबल कंफर्मेशन मिल रहा है देन आप यहाँ पे अच्छी तरीके से ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। बैच वन बैच टू का लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने हार्मोनिक के बारे में अच्छे से समझाया, आप लोगों को भी बताऊंगा बट वो आगे का कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल सा भी यही है, 40,450 मान लेते हैं, 50-60 के बीच में, 40,130 से लेकर 216 के बीच में सपोर्ट है। अगर प्राइस इसके रेंज में खुलता है तो देखना इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहां तक जा सकता है, इसके अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है देन प्राइस यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। ओके 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 सर, हां जी। तो और कोई डाउट किन्हीं को भी, क्लास यहां पे हम लोग कंप्लीट करें। हां सर, एक क्वेश्चन बोलिए। चार्ट पे चलिए सर। ओके बताइए सर, जो 12 बजे वाली कैंडल है हारी वाली, उसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं क्या? 12 बजे की कैंडल कौन वाली है? ये 12 जो हारी कैंडल बर्निंग है ये, हाँ, इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं क्या? जी, इसको रेजिस्टेंस मान सकते हो बट ये उतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, मान सकते हो क्योंकि प्राइस अगर पास के देखोगे तो यहाँ से फुल्का कर रहे हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल आप मान सकते हो क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो एक तरीके से सपोर्ट का लेवल है, फिर प्राइस नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ आ गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी ये है। प्राइस अगर इसका ब्रेक आउट देता है तो आप यहाँ तक पोजिशन 60% या 50% बुक कर लो, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाता है तो पूरा पोजिशन का बुक कर लो। इसके बीच का देखोगे डिस्टेंस 190 पॉइंट का, तो ये भी सही है, आप 190 पॉइंट का भी टारगेट ले सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ तक जाने के इसलिए बोल रहा हूँ कि प्राइस जो इतना ड्रॉप हुआ है नीचे की तरफ, मैं थोड़ा चार्ट को छोटा करता हूँ, दो दिन में प्राइस 2000 पॉइंट नीचे, 2500 पॉइंट नीचे गिरा है, दो दिन में, मात्र दो दिन में 2500 पॉइंट जब नीचे की तरफ गिरता है, जब प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक मारता तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगा भाई कि इतना 2000 पॉइंट गिरा है तो उसका करेक्शन अगर 38% भी फिबोनाची के हिसाब से हो रहा है तो फिर भी एटलीस्ट मार्केट को कम से कम 600-700 पॉइंट ऊपर की तरफ जाना होगा। अब यहाँ से 600 पॉइंट देखोगे तो इस लेवल तक कम से कम आ जाएगा, 600 नहीं तो 500 भी। अब यहाँ से देखोगे तो 500 पॉइंट ठीक एग्जैक्टली यही लेवल आ रहा ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। मेरे दिमाग में फिबोनाची भी था इसलिए मेरा फोकस इस चीज पे नहीं गया। 70% तो 70% तो रेजिस्टेंस मान सकते हैं पर ना? बिल्कुल मान सकते हो यार, आराम से आप इसको रेजिस्टेंस मान सकते हो। अब यहाँ पे अगर इसको रेजिस्टेंस मान रहे हो तो यहाँ पे एक तरीके से आप सेफ चल रहे हो, मतलब आप ज्यादा रिस्क नहीं लगा रहे हो, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 5000 का, बहुत प्रॉफिट बुक कर लो। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है देन आप ऊपर की तरफ यहाँ तक अपने पोजिशन को होल्ड करो, नहीं मिलता यहीं पे अपने पोजिशन को ब्रोक बुक कर लो, प्राइस नीचे की तरफ फॉल्स हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तो ये भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। हाँ जी, और कोई डाउट किन्हीं को भी? कोई डाउट नहीं है तो क्लास हम लोग अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, कल वापस से हम लोग मिलेंगे, कल समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। आई होप आपको आज चार्ट पैटर्न के बारे में समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ट्रेड लेना है वो भी समझ में आ गया होगा। जो भी लोग लास्ट में हैं इसको मैं थोड़ी देर में 1 से 1.5 घंटे में यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लिंक दे दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लेना, जैसे कि आनंद गौतम संजय जी ये सब लेट्स हैं तो आप लोग बाद में देख लेना इस लेक्चर को। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर।